हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारे बताने वाला हाउ टू ट्रैक हाउ टू चेक योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इन सैप बैंक ऐप। सैप बैंक ऐप में आप अपना ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र हिस्ट्री स्टेटस किस तरह से चेक करते हैं, जो आपने अमाउंट ट्रांसफ़र किया था वो डिलीवर्ड हुआ है, पहुंचा हुआ है या नहीं पहुंचा हुआ है, पेंडिंग है, क्या है उसका स्टेटस, वो किस तरह से देखते हैं सैप बैंक के ऐप में, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ब्लैक कलर या रेड कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर जल्दी से क्लिक करते हैं। तो चलो जरूरी बात बताते हैं। सबसे पहले आपने मोबाइल में सैप बैंक ऐप को ओपन कर लें, लोकेशन भी ऑन कर लें। जब भी आप सैप बैंक ऐप ओपन करते हैं, लॉगिन करना चाहते हैं, तो आपको मोबाइल से लोकेशन ऑन रखना रहता है। लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं, एनेबल लोकेशन पे क्लिक कर दें, ओनली दिस टाइम पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे शो होगा लॉगिन, लॉगिन पे आप क्लिक कर दें, यूज़र नेम आप अपना टाइप करें जो आपने रखा था, प्रोसीड पे क्लिक कर दें। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद पासवर्ड पूछेगा आपका, जो आपने पासवर्ड रखा था लॉगिन पासवर्ड वो यहाँ पे टाइप कर लें केयरफुली, प्रोसीड पे क्लिक कर दें। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे टाइप करना होगा। उसके बाद ही आपका सैप बैंक ऐप सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद ही आप चेक करेंगे कि आपका हमारा ट्रांसफ़र स्टेटस क्या है, चाहे वो डोमेस्टिक ट्रांसफ़र हो या इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। आपने अगर लोकल ट्रांसफ़र किया है सऊदी अरबिया में, या आपने अगर इंडिया इंटरनेशनल ट्रांसफ़र किया है, या अपने मुल्क होम कंट्री बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, जो भी अपने कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो इस तरह का पेज आने के बाद आपको जाना है मेनू में। राइट साइड में दिख रहा है आपको थ्री लाइन्स मेनू, उस पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपको जाना है ट्रांसफ़र्स में, ट्रांसफ़र दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं एरो मार्क पे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद ट्रांसफ़र हिस्ट्री स्लैश स्टेटस जो हो रहा है इस पर क्लिक कर दें। ट्रांसफ़र हिस्ट्री स्टेटस पे क्लिक करने के बाद ऐसा आएगा, आपको यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर और अमाउंट शो होगा, इस पर क्लिक कर दें। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने ट्रांसफ़र किया था कुछ अमाउंट और यहाँ पे स्टेटस शो हो रहा है पेंडिंग। वही कुछ दिन पहले मैंने ट्रांसफ़र किया था अमाउंट, नीचे देख सकते हैं आप डिलीवर्ड बता रहा है, तो लोकल जो ट्रांसफ़र किया था वो इमीडिएटली डिलीवर्ड हो गया है, लेकिन इंटरनेशनल जो मैंने ट्रांसफ़र किया था वो अभी तक पेंडिंग है। दो दिन हो गया मैं ट्रांसफ़र करके, ये अभी तक डिलीवर्ड नहीं हुआ है। तो देखते हैं डिलीवर्ड कितने दिन में होता है। यहाँ पे डेट भी है लिखा हुआ, मैंने जो ट्रांसफ़र किया था अमाउंट 12 जून 2023 को मैंने अपने इंडिया अपने होम कंट्री ट्रांसफ़र किया था अपने अकाउंट में, लेकिन आज है 14 जून, अभी तक वो अमाउंट पहुँचा नहीं। यहाँ पर स्टेटस शो हो रहा है पेंडिंग, तो देखते हैं फिर अभी इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो अमाउंट कब डिलीवर्ड हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा स्टेटस चेंज हो चुका है। 12 जून को जो मैंने ट्रांसफ़र किया था अमाउंट, वो पहुँचा है 22 जून, यानी 10 दिन लगे ये अमाउंट डिलीवर्ड होने के लिए। यहाँ पे देखिए आप, राइट साइड में लिखा हुआ है डिलीवर्ड, यहाँ पे प्रीवियसली शो हो रहा था पेंडिंग, तो ये पेंडिंग कब से शो हो रहा है, 12 जून से शो हो रहा है ये, और आज है 22 जून, 22 जून। तो टोटल मुझे 10 डेज़ लगे ये अमाउंट डिलीवर्ड होने इंडिया के लिए। रीज़न था कि उस कुछ दिन पहले मुझे मैसेज आया था सैप बैंक की तरफ से कि आपने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, तो इसलिए आपका अमाउंट ऑन होल्ड हुआ है। तो आप बेनिफिशियरी का पासपोर्ट कॉपी अपलोड करें, तो मुझे इस तरह का मैसेज आया था। तो मैंने फिर सैप बैंक ऐप में जाकर ट्रांसफ़र सेक्शन में जाकर रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन एक ऑप्शन आएगा, उस पर मैंने क्लिक किया, तो वहाँ पे रिक्वेस्ट थी कि जिसके भी अकाउंट में मैंने पैसा डाला है उस बेनिफिशियरी का मुझे पासपोर्ट कॉपी स्कैन कॉपी अपलोड करना होगा, और क्या रिलेटिव है वो तो बेनिफिशियरी मेरा, उसका एक रिलेशनशिप मुझे मेंशन करना होगा, फैमिली मेम्बर, भाई, ब्रदर, फ्रेंड जो भी है वो मेंशन करना होगा, और अमाउंट आपने जो मेंशन किया था वो ट्रांसफ़र अमाउंट है। और ये दो से तीन चीज़ें आपके स्क्रीन पे भी देख भी सकते हैं। तो मुझे क्या चीज़ अपलोड करने के लिए पूछा गया था मुझे मैसेज में, तो मैं स्क्रीन पे देखिए ये चीज़ें थी, और मुझे इस तरह का मैसेज भी आया था। फिर मेरी कंटिन्यूसली चैट कस्टमर केयर से डेली कंटिन्यूसली टचअप में भी था मैं, थ्रू मैसेंजर, फेसबुक मैसेंजर पर वो लोग कॉपरेट कर रहे थे, लेकिन बैंक वाले उतना कॉपरेट नहीं करे सैप बैंक वाले जितना कस्टमर केयर जो फेसबुक मैसेंजर पे जो कुछ भी अगर पूछेंगे तो वो लोग इमीडिएटली रेस्पॉन्ड कर रहे थे कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र को 3 से 5 दिन तक का टाइम लगता है, वो भी वर्किंग डे, ना कि उसमें अगर कोई हॉलीडे आया बीच में, जैसा एग्जांपल सऊदी अरबिया में फ्राइडे सैटरडे ऑफ रहता है, और वही इंडिया में
संडे को ऑफ रहता है, तो ये ऑफ डेज छोड़ के, ये ऑफ डेज हटा के आप वर्किंग डे को आपको काउंट करना होगा, चाहे वो सऊदी अरेबिया के वर्किंग डे हो या इंडिया के वर्किंग डे हो। तो उस हिसाब से मेरा जो अमाउंट है वो वर्किंग डे में ही पहुंच गया है, लेकिन वक्त ज़्यादा लगा क्योंकि उनका कहना था कि अब मैंने इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, लेकिन मैंने तो पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जब बेनिफिशियरी को ऐड किया था तो पूरा कंप्लीट मैंने सही से डिटेल्स भरा था, लेकिन पता नहीं क्या इनकम्प्लीट इनकम इन्फॉर्मेशन थी जो कि मेरा अमाउंट ऑन होल्ड हो गया। फिर लेटर ऑन कस्टमर केयर की तरफ से जो मैसेज आया था कि आप पासपोर्ट कॉपी अपलोड करें बेनिफिशियरी का, तो मैंने अपलोड कर दिया। फिर 3 दिन के बाद अमाउंट आज 22 जून सक्सेसफुली को डिलीवर्ड हो गया है अकाउंट में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था बताने के लिए आपको रिगार्डिंग सैप बैंक ऐप के कि इंटरनेशनल ट्रांसफ़र में क्या दिक्कतें आई है। सक्सेसफुली डिलीवर तो हो चुका है लेकिन गैप ज़्यादा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलें मेरे यूट्यूब चैनल पर। देख लिया नेक्स्ट वीडियो में।